डायल एम फॉर मर्डर, ये 1954 की अमेरिकन क्राइम मिस्ट्री फिल्म है, डायरेक्टेड बाय अल्फ्रेड हिचकॉक। ये फिल्म बेस्ड है फ्रेडरिक नॉट के लिखे इंग्लिश प्ले पर, जो कि काफ़ी सक्सेसफुल था। इस मूवी को एक लाइन में एक्सप्लेन करें तो पति पत्नी और ओ इसे कह सकते हैं। एनीवे, फिल्म की कहानी की बात करें तो टोनी विंडिस, जो कि रिटायर्ड प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर है, जिसकी पत्नी मार्गोट है जो कि काफ़ी अमीर है, जिसका अफेयर अमेरिकन राइटर मार्क हैलिडे से है, जिसका पता टोनी को कुछ ही दिनों पहले लगा और तब से वो उसे ब्लैकमेल कर रहा है और अब मार्गोट को मारने का प्लान बना रहा है अपना बदला लेने के लिए और साथ ही उसके पैसों से आगे की ज़िंदगी आराम से गुजरने के लिए। आगे टोनी अपने साथी कलीग दोस्त मिस्टर स्वान को अपने यहाँ इनवाइट करता है। टोनी पहले से जानता है कि स्वान का अतीत कुछ समय क्राइम की दुनिया में रहा है। टोनी स्वान को सब कुछ अपनी पत्नी के बारे में बताता है, किस तरह 6 महीने पहले मार्गोट की हैंडबैग से उसे मार्क के लिखे लव लेटर उसे मिले और वो मार्गोट को ब्लैकमेल करने लगा और अब टोनी उसे मारना चाहता है। इस काम के लिए टोनी स्वान को 1000 यूरो ऑफर करता है। बातों ही बातों में टोनी स्वान से ऐसा कुछ कर लेता है कि स्वान को मर्डर करने को टोनी मजबूर कर देता है, और अगर स्वान अब भी टोनी को ना कहे तो टोनी स्वान को धमकी देता है कि वो उसे ब्लैकमेल करेगा। जब स्वान टोनी के बातों को मान लेता है तो टोनी उसे अपना प्लान बताता है। टोनी विंडिस, जो कि परफेक्ट मर्डर में विश्वास रखता है, अपना बेहतरीन मर्डर प्लान स्वान के सामने रखता है। क्या ये परफेक्ट मर्डर प्लान सक्सेसफुल होता है और उस दिन वाकई में मर्डर हो पाता है, ये सब जानने के लिए तो आपको मूवी देखनी पड़ेगी। एक शानदार स्टेज प्ले को डायरेक्टर हिचकॉक ने बड़े पर्दे पर काफ़ी बढ़िया ढंग से उतारा है। अति स्टेज ड्रामा होने की वजह से लगभग 70% सीन हमें एक ही लोकेशन पे दिखते हैं। मूवी में थ्रिल पैदा करने के लिए म्यूजिक और कैमरा एंगल्स का काफ़ी अच्छे से यूज़ किया गया है और अल्फ्रेड हिचकॉक इसमें काफ़ी माहिर भी है। खास तौर पे जो रूम में टॉप एंगल से कैमरा लेफ्ट राइट घूमता है, उससे काफ़ी सारी चीज़ों को समझना आसान होता है। परफॉर्मेंसेस की बात करें तो कोई आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस तो नहीं, लेकिन सभी की परफॉर्मेंस ठीक रही है। रे मिलांड, जिन्होंने टोनी विंडिस को निभाया है, वो निगेटिव कैरेक्टर में अच्छे थे और उनके कुछ बेहतरीन डायलॉग भी हमें सुनने मिलते हैं। Bided. It'll be a straight case of your word against mine. Not a puzzle, then, wouldn't it? What could you say? I should simply say that you came here tonight half drunk and tried to borrow money on the strength that we were at college together. When I refused, you mentioned something about a letter belonging to my wife. As far as I could make out, you're trying to sell it to me. I gave you what money I had and you gave me the letter. It has your fingerprints on it, remember? ग्रेस केली, जिन्होंने मार्गोट को निभाया है, वो काफ़ी सुंदर हमें फिल्म में लगती है। साथ ही उनके चेहरे पर डर और कॉम्प्लेक्सिटी हमें देखने मिलती है। साथ ही आपको अल्फ्रेड हिचकॉक का बाकी मूवीज़ की तरह इसमें भी एक कैमियो दिखता है और हर बार की तरह वो एक्चुअल मोशन पिक्चर ना होके एक फ़ोटो फ्रेम में वो दिखते हैं। चीफ इंस्पेक्टर, जिसे रॉबर्ट कमिंग्स ने निभाया है, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट और इंटेलिजेंटली लिखा गया कैरेक्टर है। विलियम्स, ओवरऑल बात करें तो एक अच्छी स्टोरी, अच्छी सिनेमेटोग्राफी की वजह से और मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म आपको अगर पसंद है तो इन सब में माहिर अल्फ्रेड हिचकॉक की ये फिल्म आप मिस नहीं कर सकते। मैं इस मूवी को दूंगा 8.4 out of 10 star। अगर आपने मूवी देखी है तो आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताइए। साथ ही अगर रिव्यू पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।